का सवाल करना आपके शक नहीं, आपके शक का सवाल है, बिल्कुल शक करना, ये शक नहीं है, ये सिर्फ सवाल है, ये सिर्फ एक सवाल है। आपने सरकार से सवाल किया, इसलिए हमारा आपसे सवाल था। अरे नजरिया संविधान का है, हमारा भारत का संविधान के ऊपर बोल दिए ओएसी, ओएसी साहब, ओएसी संविधान से मतलब, ओएसी साहब ये बताइए कि तालिबान, नहीं नहीं हमको मुल्क से, भारत से मतलब, हमको दूसरे पड़ोसी क्या मतलब, हमको नजरिया क्या नजरिया, कौन सा नजरिया, हमारा नजरिया संविधान का है, नहीं नहीं हमारा नहीं, हमारा नजरिया कॉन्स्टिट्यूशन का, इसी संविधान के नजरिए से आप क्या मानते हैं ये तो बता, इसी संविधान के नजरिए से सरकार को तय करना, नहीं नहीं ओएसी साहब ये बताइए, अच्छा सर, इसी संविधान के नजरिए से भारत सरकार को तय करना है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करेंगे नहीं करेंगे, और ये संविधान के नजरिए से हमको पूरा हासिल है कि हम अपने मजहब पर चले, हम भारत के शहरी हैं, ये हर चीज दुनिया में संविधान वो हो रहा है, हम तो कोई पूछ रहे हैं, ये बताइए कि और भारत पर उसका क्या असर पड़ेगा। ऑन रिकॉर्ड ये बात कहा कि ये जो तब्दीली आई है ये पाकिस्तान, चीन, ये इनको मजबूत करेगा, और मुस्तकबिल में हो सकता है, फ्यूचर में ये भारत के लिए एक फिक्र की बात हो सकती है, ये मेरा ऑन रिकॉर्ड मैं कह चुका हूं, ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह चुका हूं, और उसके बावजूद भी हमारा एम्बेसडर उनसे मिलता है, हम मिलते हैं उनसे, और जो लोग भारत के एम्बेसी में काम कर रहे थे अफगानी, उनको क्या लाए हमने, छोड़ दिया हमने उनको वहां पर, चार चार हमारे कॉन्सुलेट थे, एक एम्बेसी हमारी थी वहां पर, हर साल 900 अफगानी को, 800 अफगानी को हम लाकर यहाँ पढ़ाते थे भारत में, 16,000 अफगानियों को हमने तालीम दिलाई, पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, अब क्या पोजीशन है हमारा बताइए वहां पर, हमने छाबार पोर्ट को डेवलप किया ईरान से ट्रेड करने के लिए, यही तो हम जानना चाह रहे ना, और ये बातें पूरी हमने ऑल पार्टी मीटिंग में भी कही थी, पूछ लीजिए भारत सरकार से, ये सवाल तो हमने उठाए वहां पर, बोलिए क्या करेंगे आप, क्या आप इनको टेररिस्ट लिस्ट में डालेंगे, क्या आप इनको यूएन सैंक्शन कमेटी में आप डिलीस्ट करेंगे या टेररिस्ट रखेंगे, और रखते हैं तो फिर क्या आप यूएपीए में इनको शामिल करेंगे, और अगर नहीं करते तो अपने बीजेपी के लोग जो बकवास कर उनको रुकाइए, यहां पर ये सवाल उठता है ना, तो सरकार से हर आदमी जाके बोल रहा है, जो इनके खिलाफ है उसको खड़े होके शुरू हो जाते हैं। सर आपकी पार्टी के नेता बिहार में फिलिस्तीन और इजराइल पे बयान दे सकते हैं, और आप राष्ट्रीय नेता हैं, आप कह रहे हैं कि हमको अफगानिस्तान के मसाइल से कोई मतलबा नहीं है। आपने कभी पढ़ा महात्मा गांधी ने क्या कहा फिलिस्तीन के बारे में, आपने पढ़ा कभी? नहीं, आपने कहा कि अफगानिस्तान के मसाइल से मेरा कोई मतलबा नहीं है। आपको इतना दर्द क्यों रहा है पेट में, सुन तो लीजिए ना, सवाल आपसे बहस करना चाहे तो आ जाइए डिबेट कर लेते हैं, आप जर्नलिस्ट से सवाल किया ना, जवाब सुनिए। सर नेताओं को पेट में दर्द होता है, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं, हम तो सिर्फ सवाल कर रहे हैं, हमको नहीं होता, तो फिर हमको होता है, तो हमको थोड़े ना होता है, हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं, सवाल करिए जवाब भी, नेताओं का काम है दर्द होना, नेताओं का काम जवाब देना, आपका काम सुनना है पत्रकारों को, बहस से करना नहीं है, बताइए। यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन है फलस्तीन के ऊपर कि इसराइल खाबिज है वहां पर, है नहीं है यूनाइटेड नेशन के, भारत हमेशा से। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा, ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।